शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। काफ हा या आईन सौद, ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी का बयान है जो उसने अपने बंदे जकरिया पर की थी, जब उन्होंने अपने परवरदिगार को दबी आवाज से पुकारा और कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां बुढ़ापे के सबब कमजोर हो गई हैं और सर सफेद बालों की वजह से चमकने लगा है, और ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे मांगकर कभी महरूम नहीं रहा और मैं अपने बाद अपने भाई बंदों से डरता हूं, और मेरी बीवी बांझ है, फिर भी मुझे अपने पास से एक वारिस अता फरमा जो मेरी और औलाद याकूब की मीरास का मालिक हो, और ऐ मेरे परवरदिगार, उसको खुश अखलाक बनाइयो। फरमाया, ऐ ज़करिया, हम तुमको एक लड़के की बिशारत देते हैं जिसका नाम याहिया होगा, इससे पहले हमने उस नाम का कोई शख्स पैदा नहीं किया। उन्होंने कहा कि परवरदिगार, मेरे यहां किस तरह लड़का होगा जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं बुढ़ापे की इस हालत को पहुंच गया कि सूख गया हूं। हुक्म हुआ कि इसी तरह होगा। तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया है कि मुझे ये आसान है और मैं पहले तुमको भी तो पैदा कर चुका हूं और तुम कुछ चीज न थे। कहा कि परवरदिगार, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा। फरमाया, निशानी यह है कि तुम सही और सालिम होते हुए 3 रात दिन लोगों से बात न कर सकोगे। फिर वो इबादत के हुजरे से निकलकर अपनी कौम के पास आए तो उनसे इशारे से कहा कि सुबह शाम तस्बीह करते रहो। फरमाया, ऐ याहिया, हमारी किताब को मजबूती से थामे रहो, और हमने उनको लड़कपन ही में दानाई अता फरमाई थी और अपने पास से शफकत और पाकीजगी दी थी, और वो परहेजगार थे और वो अपने मां बाप के साथ नेकी करने वाले थे और सरकश और नाफरमान नहीं थे, और जिस दिन वो पैदा हुए और जिस दिन वफात पाएंगे और जिस दिन जिंदा करके उठाए जाएंगे उन पर सलाम है। और किताब यानी कुरान में मरियम का भी तज़किरा करो, जब वो अपने लोगों से अलग होकर मकान के मशरिकी हिस्से में चली गईं, फिर उन्होंने उनकी तरफ से पर्दा कर लिया तो हमने उनकी तरफ अपना फरिश्ता भेजा, सो वो उनके सामने एक खूबसूरत मर्द की सूरत में आया। मरियम बोली कि अगर तुम परहेजगार हो तो मैं तुमसे बचने के लिए रहमान की पनाह लेती हूं। फरिश्ते ने कहा कि मैं तो तुम्हारे परवरदिगार का भेजा हुआ यानी फरिश्ता हूं और इसलिए आया हूं कि तुम्हें पाकीजा लड़का बख्शूं। मरियम ने कहा कि मेरे यहां लड़का क्यों कर होगा जबकि मुझे किसी मर्द ने बतौर शौहर छुआ तक नहीं और मैं बदकार भी नहीं हूं। फरिश्ते ने कहा कि यूं ही होगा, तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया कि यह मुझे आसान है और मैं इसे इसी तरीक पर पैदा करूंगा ताकि इसको हम लोगों के लिए अपनी तरफ से निशानी और जरिया रहमत बनाएं, और ये काम मुकर्रर हो चुका है। चुनाचे वो उस बच्चे के साथ हामिला हो गई और उसे लेकर एक दूर जगह चली गई। फिर दर्द जह उनको खजूर के तने की तरफ ले आया, कहने लगी कि काश मैं इससे पहले मर चुकती और भूली बिसरी हो गई होती। तब उनके टीले के नीचे की जानिब से फरिश्ते ने उनको आवाज दी कि गमनाक न हो, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे नीचे एक चश्मा पैदा कर दिया है और खजूर के तने को पकड़कर अपनी तरफ हिलाओ, वो तुम पर ताजा उम्दा खजूरें गिराएगा, तो खाओ और पियो और आंखें ठंडी करो। अगर तुम किसी आदमी को देखो तो कहना कि मैंने अल्लाह के लिए रोजे की मन्नत मानी, तो आज मैं किसी आदमी से हरगिज कलाम नहीं करूंगी। फिर वो उस बच्चे को उठाकर अपनी बरादरी वालों के पास ले आई। वो कहने लगे कि मरियम, ये तो तूने बुरा काम किया। ऐ हारून की बहन, न तो तेरा बाप ही बुरा आदमी था और न तेरी मां ही बदकार थी। तो मरियम ने उस बच्चे की तरफ इशारा किया। वो बोले कि हम इससे के गोद का बच्चा है कैसे बात करें। बच्चे ने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है, और मैं जहां हूं और जिस हाल में हूं उसने मुझे साहिब बरकत बनाया है, और जब तक जिंदा हूं मुझको नमाज और जकात का इरशाद फरमाया है, और मुझे अपनी मां के साथ नेक सुलूक करने वाला बनाया है और सरकश बदबख्त नहीं बनाया, और जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मरूंगा और जिस दिन जिंदा करके उठाया जाऊंगा मुझ पर सलाम है। ये मरियम के बेटे ईसा हैं और ये सच्ची बात है जिसमें लोग शक करते हैं। अल्लाह को शाया नहीं कि किसी को बेटा बनाए, वो पाक है, जब किसी चीज का इरादा करता है तो उसको यही कहता है कि हो जा तो वो हो जाती है, और बेशक अल्लाह ही मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है तो उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। फिर अहले किताब के फिरकों ने बाहम इख्तिलाफ किया, सो जो लोग काफिर हुए हैं उनको बड़े दिन यानी कयामत के रोज हाजिर होने से खराबी है। वो जिस दिन हमारे सामने आएंगे कैसे सुनने वाले और कैसे देखने वाले होंगे, मगर जालिम
आज खुली गुमराही में हैं, और उनको हसरत और अफसोस के दिन से डरा दो जब बात फैसल कर दी जाएगी और वो गफलत में पड़े हुए हैं और ईमान नहीं लाते। हम ही जमीन के और जो लोग उस पर बसते हैं उनके वारिस होंगे और हमारी ही तरफ उनको लौटना होगा। और किताब में इब्राहिम का जिक्र करो, बेशक वो निहायत सच्चे थे, पैगंबर थे। जब उन्होंने अपने बाप से कहा कि अब्बा, आप ऐसी चीजों को क्यों पूछते हैं जो न सुने और न देखें और न आपके कुछ काम आ सकें? अब्बा, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, तो मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधी राह पर ले चलूंगा। अब्बा, शैतान की पूजा न कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा, मुझे डर लगता है कि आपको अल्लाह का अजाब आ पकड़े तो आप शैतान के साथ ही हो जाएं। उसने कहा कि इब्राहिम, क्या तू मेरे माबूदों के खिलाफ है? अगर तू बाज ना आएगा तो मैं तुझे संसार कर दूंगा और तू हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जा। इब्राहिम ने सलामुन अलैकुम कहा और कहा कि मैं आपके लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगूंगा, बेशक वो मुझ पर निहायत मेहरबान है। और मैं आप लोगों से और जिनको आप अल्लाह के सिवा पुकारा करते हैं उनसे किनारा करता हूं और अपने परवरदिगार ही को पुकारूंगा। उम्मीद है कि मैं अपने परवरदिगार को पुकार कर महरूम नहीं रहूंगा। और जब इब्राहिम उन लोगों से और जिनकी वो अल्लाह के सिवा परस्तिश करते थे अलग हो गए, तो हमने उनको इसहाक और इसहाक को याकूब बख्शे और हर एक को पैगंबर बनाया, और हमने उनको अपनी रहमत से बहुत सी चीजें इनायत की और उनका जिक्र जमील बुलंद किया। और किताब में मूसा का भी जिक्र करो, बेशक वो हमारे बरगुजीदा थे और रसूल थे, नबी थे। और हमने उनको तूर की दाहिनी तरफ से पुकारा और बातें करने के लिए नजदीक बुलाया, और अपनी मेहरबानी से उनको उनका भाई हारून पैगंबर बनाकर अता किया। और किताब में इस्माइल का भी जिक्र करो, वो वादे के सच्चे और रसूल थे, नबी थे, और वो अपने घर वालों को नमाज और जकात का हुक्म करते थे और अपने परवरदिगार के यहां पसंदीदा थे। और किताब में इदरीस का भी जिक्र करो, वो भी निहायत सच्चे थे, नबी थे, और हमने उनको ऊंची जगह उठा लिया था। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने अपने पैगंबरों में से फजल किया, यानी औलाद आदम में से, और उन लोगों में से जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया, और इब्राहिम और याकूब की औलाद में से, और उन लोगों में से जिनको हमने हिदायत दी और जिन्हें बरगुजीदा किया। जब उनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती थीं, तो सजदे में गिर पड़ते और रोते रहते थे। फिर उनके बाद चंद नाखलफ उनके जानशी हुए जिन्होंने नमाज को जाया कर दिया और ख्वाहिशात नफसानी के पीछे लग गए, सो अन करीब उनको गुमराही की सजा मिलेगी। हाँ, जिसने तौबा की और ईमान लाया और अमल नेक किए, तो ऐसे लोग बहिश्त में दाखिल होंगे और उनका जरा नुकसान न किया जाएगा, यानी हमेशा की बहिश्तों में, जिसका अल्लाह ने अपने बंदों से वादा किया है कि जो उनकी आंखों से पोशीदा है। बेशक इसका वादा नेकुकारों के सामने आने वाला है। वो इसमें सलाम के सिवा कोई बेहुदा कलाम न सुनेंगे और उनको सुबह शाम खाना मिलेगा। यही वो जन्नत है जिसका हम अपने बंदों में से ऐसे शख्स को मालिक बनाएंगे जो परहेजगार होगा। और फरिश्तों ने पैगंबर को जवाब दिया कि हम तुम्हारे परवरदिगार के हुक्म के सिवा उतर नहीं सकते। जो कुछ हमारे आगे है और जो पीछे है और जो इसके दरमियान है, सब उसी का है, और तुम्हारा परवरदिगार भूलने वाला नहीं, यानी आसमान और जमीन का और जो इन दोनों के दरमियान है सब का परवरदिगार, तो उसी की इबादत करो और उसकी इबादत पर साबित कदम रहो। भला तुम कोई उसका हम नाम जानते हो? और काफिर इंसान कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो क्या जिंदा करके निकाला जाऊंगा? क्या ऐसा इंसान याद नहीं करता कि हमने उसको पहले भी तो पैदा किया था जबकि वो कुछ भी चीज न था? सो तुम्हारे परवरदिगार की कसम, हम इनको जमा करेंगे और शैतानों को भी, फिर इन सबको जहन्नम के गिर्द हाजिर करेंगे और वो घुटनों पर गिरे हुए होंगे। फिर हर गिरोह में से हम ऐसे लोगों को खींच निकालेंगे जो रहमान के मुकाबले में सख्त सरकशी करते थे। फिर हम उन लोगों से खूब वाकिफ हैं जो उसमें दाखिल होने के ज्यादा लायक हैं। और तुम में से कोई शख्स नहीं मगर उसे इस पर गुजरना होगा, यह तुम्हारे परवरदिगार पर लाजिम है, मुकर्रर है। फिर हम परहेजगारों को नजात देंगे और जालिमों को उसमें घुटनों के बल पड़ा हुआ छोड़ देंगे। और जब उन लोगों के सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं, तो जो काफिर हैं वो मोमिनों से कहते हैं कि दोनों फरीक में से मकान किसके अच्छे और मजलिसें किसकी बेहतर हैं, और हमने इनसे पहले बहुत सी उम्मतें हलाक कर दी
वो लोग इनसे ठाट बाट और नमूद नुमाइश में कहीं अच्छे थे। कह दो कि जो शख्स गुमराही में पड़ा हुआ है, रहमान उसको आहिस्ता आहिस्ता मोहलत दिया जाता है, यहां तक कि जब उस चीज को देख लेंगे जिसका इनसे वादा किया जाता है, खा अजाब और खा कयामत, तो उस वक्त जान लेंगे कि मकान किसका बुरा है और लश्कर किसका कमजोर है। और जो लोग हिदायत याब हैं, अल्लाह उनको ज्यादा हिदायत देता है, और नेकियां जो बाकी रहने वाली हैं वो तुम्हारे परवरदिगार के यहां सिले के लिहाज से खूब और अंजाम के एतबार से बेहतर हैं। भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने हमारी आयतों से कुफर किया और कहने लगा कि अगर मैं असर नौ जिंदा हुआ भी तो यही माल और औलाद मुझे वहां मिलेगा? क्या उसने गैब की खबर पाली है या अल्लाह के यहां से अहद ले लिया है? हरगिज नहीं, ये जो कुछ कहता है हम उसको लिखते जाते और उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता अजाब बढ़ाते जाते हैं, और जो चीजें ये बताता है उनके हम वारिस होंगे, और ये अकेला हमारे सामने आएगा। और उन लोगों ने अल्लाह के सिवा और माबूद बना लिए हैं ताकि वो उनके लिए मूजिब इज्जत हों। हरगिज नहीं, वो माबूद उनकी परस्तिश से इनकार करेंगे और उनके दुश्मनों मुखालिफ होंगे। क्या तुमने नहीं देखा कि हमने शैतानों को काफिरों पर छोड़ रखा है कि वो उनको खूब उकसाते रहती हैं? तो तुम उन पर अजाब के लिए जल्दी ना करो कि हम तो उनके लिए दिन शुमार कर रहे हैं। जिस रोज हम परहेजगारों को रहमान के सामने बतौर मेहमान जमा करेंगे और गुनहगारों को दोजख की तरफ प्यासे हांक ले जाएंगे, तो लोग किसी की सिफारिश का इख्तियार न रखेंगे मगर जिसने रहमान से इकरार ले लिया हो। और कहते हैं कि रहमान बेटा रखता है, ऐसा कहने वालों ये तो तुम बुरी बात जबान पर लाते हो। करीब है कि इस झूठ से आसमान फट पड़े और जमीन शक हो जाए और पहाड़ पारा पारा होकर गिर पड़े कि इन्होंने रहमान के लिए बेटा तजवीज किया। और रहमान को शाया नहीं कि किसी को बेटा बनाए, हर शख्स जो आसमान और जमीन में है रहमान के रूबरू बतौर बंदा ही आएगा। उसने इन सब को अपने इल्म से घेर रखा और एक एक को शुमार कर रखा है, और ये सब कयामत के दिन उसके सामने अकेले अकेले हाजिर होंगे। और जो लोग ईमान लाए और अमले नेक किए, रहमान उनकी मोहब्बत मखलूकात के दिल में पैदा कर देगा। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम, हमने ये कुरान तुम्हारी जबान में आसान बनाकर नाजिल किया है ताकि तुम इससे परहेजगारों को खुशखबरी पहुंचा दो और झगड़ालुओं को डर सुना दो, और हमने इनसे पहले बहुत से गिरोहों को हलाक कर दिया है। भला तुम इनमें से किसी को देखते हो या कहीं इनकी भिनक सुनते हो?